जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 100 को किस तरह से बनाया जाए। एक्सरसाइज 100 जो कि ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन का एक चैप्टर है, तो इसके हर क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ रूल है, ऐड कैसे लग गया, किसी में अबाउट लगा हुआ है, किसी में फ्रॉम लगा हुआ है, तो उसको अच्छे से समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइस सेल्स डैश रुपीज 10 ए किलो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लगेगा क्या, तो अगर कोई चीज़ प्राइस को इंडिकेट करे, रेट को इंडिकेट करे या फिर स्पीड को इंडिकेट करे, तो आपको सर वहाँ पे एट का यूज़ करना है, आपको यहाँ पे किसी का यूज़ करना है, एट का यूज़ करना है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में तो एट का यूज होता है। अगला, चिल्ड्रंस आर डैश प्लेइंग, और एट का यूज़ कहाँ होता है, कंटिन्यूस एक्टिंग में, एक्टिविटी में। जैसे अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा कंटिन्यूस में, तो आप यहाँ पे भी ऐट का यूज कर सकते हैं, यहाँ भी ऐट हो जाएगा। आगे देखिए, ही प्रिफेयर डेट डैश डिसऑनर। अब यहाँ देखिए, जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं, एक दूसरे में तुलना करेंगे, या फिर रेशियो हो, प्रोपोर्शन हो, इस सब का भाव जब आएगा ना, तो यहाँ पे टू लगाते हैं, ही प्रिफेयर डेट टू डिसऑनर, ठीक है। यहाँ तुलना कर रहे हैं दोनों से, तो इसमें किसी का यूज होगा सर, डेथ सॉरी टू का यूज होगा, ठीक है, तुलना कर रहे हैं, प्रिफेयर तुलना कर रहे हैं। फोर नंबर को समझिए, ही इंक्वायर डैश द केस। अब हम किसी चीज़ का इंक्वायरी करने जा रहे हैं, कैसे इंक्वायरी की जाएगी, जैसे आपको जैसे वीडियो देखे अच्छा लग गया आपको, मेरे बारे में इंक्वायरी करना कैसे जी, मेरे चैनल में आप आइएगा, अंदर घुसिएगा चैनल में, वीडियो को देखिएगा, अवार्ड में पढ़िएगा मेरे बारे में क्या है नया, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ में इंक्वायरी करते हैं, मतलब कि जैसे ना मोशन टूवर्ड द इंटीरियर फॉर समथिंग या समबडी, मतलब किसी चीज़ के अंदर घुस के उसके बारे में जानना, इस ऐसा जब भी आएगा तो आपको इनटू का यूज करना है। अब केस पढ़ रहे हैं भाई, तो केस बिना अंदर जाए कैसे पता चलेगा, यहाँ पे इनटू का हो जाएगा। चार का आंसर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। आगे देखिए, कैन यू स्विम डैश रिवर। अब आप ही तैरने जाइएगा तो क्या बोलेगा, आप नदी में तैरिए, कोई बोलेगा भाई इसको पार करके देख सकते हैं, फ्रॉम वन साइड टू अनदर अपोजिट साइड, ठीक है, मतलब जैसे नदी में तैरने गए, स्विमिंग पूल में तैरने गए, तो एक साइड से दूसरे साइड निकलते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अक्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्रॉस। पेन मेरा थोड़ा यहाँ ख़राब है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं, पाँच का एक्रॉस हो जाएगा। छः का आंसर आप लिखते नहीं, हम समझा ही देते हैं बस। हेमलेट वाज रिटन डैश शेक्सपियर। हेमलेट हेलमेट नहीं भाई, हेमलेट है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ये तो पैसिव वॉइस में भी है, तो यहाँ पे बाय का यूज हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सेवन नंबर, ही वॉज वॉन्डरिंग डैश टाउन। अब यहाँ देखिए वंडरिंग, अब हम कोई जहाँ घूमने जाते हैं, तो जैसे हम दिल्ली जाएंगे घूमने, तो दिल्ली के स्टेशन पे खड़ा होकर देखते रहेंगे इधर उधर, भाई आगे बढ़ेंगे इधर उधर घूमेंगे, आगरा बोलते हैं, इधर उधर घूमेंगे, बाहर निकले इधर उधर, जब भी वंडरिंग वंडरिंग जैसा शब्द आए, तो यहाँ पे आपको किसी का यूज करना पड़ेगा सर, यहाँ यूज करना है अबाउट का यूज, किसका यूज कीजिएगा, अबाउट, यहाँ हो जाएगा आपका अबाउट, ठीक है, आप तो सुना दे रहा होगा। ही अगला, ही प्रिवेंटेड मी डैश डूइंग दिस वर्क। एट नंबर, अगर कोई कारण से या भाव से, मतलब प्रिवेंटेड मी डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं, कारण का भाव आएगा तो यहाँ किसका यूज करते हैं, फ्रॉम, प्रिवेंटेड कारण का भाव आएगा तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। नाइन नंबर देखिए, मे गॉड ब्लेस यू डैश असंत, यहाँ क्या हो जाएगा, विद, भगवान के लिए विद का यूज ही करते हैं। टेन नंबर, ही फायर्ड शॉट डैश शॉट। अब यहाँ देखिए, किसी भी चीज़ को लगातार करेंगे, इंडक्टिंग मच रिपीटेशन, जैसे हम वीडियो में बार बार एक ही चीज बोले, दस नंबर दस नंबर दस नंबर दस नंबर, तब हमको क्या बोलना पड़ेगा, दस नंबर आफ्टर टेन नंबर आफ्टर टेन नंबर आफ्टर टेन नंबर, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको यहाँ पे आफ्टर का यूज़ करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, टेन का आंसर आफ्टर, बार बार रिपीट करेंगे आफ्टर। इलेवन देखिए, ही वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड जहाँ दिखेगा वहाँ आपको ऑफ का यूज करना है, आँख को खोल के, बाकी कुछ ध्यान ही नहीं देना है, एक्यूज दिखे ऑफ। आगे 12 नंबर है कॉन्ग्रेचुलेसन, इसका हम जहाँ तक अक्सर नोटिस किए हैं उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं, अगर किसी वर्ड का शुरुआत सी से हुआ है और वो 10 अक्षर से भरा है, गिन लीजिए, C1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, सी से शुरुआत है और वो 10 अक्षर से ज़्यादा है, तो उसका प्रीपोजिशन हमेशा और हमेशा
ऑन ही रहा है, हम अक्सर ऐसा नोटिस किए हैं। इसी के बेस पे आपको बताएं, अगर किसी वर्ड का शुरुआत सी से है और वो 10 लेटर मतलब 10 वर्ड से ज़्यादा लंबा है तो वहाँ प्रीपोजिशन ऑन हो जाएगा। ठीक है, 13 समझिए क्या लिखा हुआ है। एम, जिसका हिंदी लक्ष्य होगा ना, एम हो, बहुत सारा लक्ष्य वाला आता है तो यहाँ पे आपको एट का यूज करना है। जिसका हिंदी लक्ष्य होगा, ठीक है, एम है फाउंडेशन इस टाइप का, जिसका हिंदी लक्ष्य होगा वहाँ पे एट का यूज करना है। 14 नंबर, ही इज सिक डैश फीवर, अब भाई बीमार है किसके कारण से, तो बुखार के कारण से। जब भी कारण का यूज होगा तो वहाँ विथ लगाना पड़ेगा, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा सर, विथ हो जाएगा। 15 देखिए, तो द ट्रेन स्टार्टेड डैश टाइम, जब समय का भाव आ रहा है यहाँ पे, समय का भाव हो, स्थिति का भाव हो, तो इस समय ऑन का यूज करते हैं, तो 15 का आंसर ऑन हो जाएगा। आई गो टू स्कूल डैश बाइसाइकिल, तो ऑन बाइसाइकिल स्थिति का भाव बता रहा है भाई। डोंट कराई डैश स्पिल्ड मिल्क, स्पिल्ड मिल्क जल से ज़्यादा दूध है तो इसमें रोने वाला बात नहीं है, तो ओवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ, ओवर। डोंट कराई ओवर स्पिल्ड मिल्क। 18 नंबर देखिए, ही इज मैरिड डैश द डॉटर ऑफ अ रिच मैन, ही इज मैरिड डैश द डॉटर ऑफ अ रिच मैन, अब यहाँ देखिए हुआ उससे शादी करता है। ठीक है, बिलोंगिंग टू समवन या समबडी आता है तब टू, अब हमसे कोई पूछेगा भाई जैसे आपका शादी ब्याह कल को होगा तो दोस्त लोग पूछेगा किसे शादी कर रहे हैं, तो फलाना की बेटी है, उसका दामाद है, ऐसा ऐसा कुछ आता है, तो क्या करें एक दूसरे से जोड़ते हैं, बिलोंग करते हैं, यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। 19 नंबर देखिए, ही केम डैश ट्रेन, यहाँ पे आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं, बाय का भी यूज कर सकते हैं, किसके द्वारा आ रहे हैं, ट्रेन के द्वारा, स्थान तो अलग हो रहा है भाई, कहीं से आ रहे हैं तो वो स्थान को छोड़ के ही नहीं आएंगे, और जब स्थान अलग होने का भाव होता है तो वहाँ फ्रॉम का यूज होता है, यहाँ बाय या फ्रॉम दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों सही होगा। 20 नंबर, द ट्रेन इज रनिंग डैश 60 किलोमीटर्स एन आवर, यहाँ भी आंसर आपका फ्रॉम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम। आगे देखिए 21 नंबर, ही स्टूड डैश द जज, अब कोई भी खड़ा रहेगा जज के माथा पे खड़ा रहेगा, जज के सामने खड़ा रहेगा, तो सामने के लिए बाबू बिफोर का यूज करते हैं, तो 21 का हो जाएगा बिफोर। 22 देखिए, दे आर डैश वर्क, जब छोटा मोटा स्थान का भाव होता है तो एट लगाते हैं, तो 22 का आंसर भी एट हो जाएगा। 23 नंबर, ही कंप्लेंड, कंप्लेंट ही है ना, ही कंप्लेंट डैश द ऑफिसर, ऑफिसर को किसका कंप्लेंट करेंगे, किसी के खिलाफ ही करेंगे, तो अगेंस्ट हो जाएगा, 23 का आंसर अगेंस्ट हो जाएगा। 24 नंबर, ही इज इनोसेंट डैश द क्राइम, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑफ का, एक संबंध बता रहे हैं भाई, वो जो क्राइम है उससे इसका कोई वास्ता नहीं है, मतलब उसमें निर्दोष है, संबंध है इसका, वहाँ की निर्दोष है, तो यहाँ पे ऑफ, संबंध के लिए ऑफ का ही यूज करते हैं। 25 नंबर, आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, आई केम ऑन हिज रिक्वेस्ट। 26 नंबर, ही वेंट टू द टेम्पल डैश फुट, अब हम पैर से चल रहे थे, हमारा जो ऊपरी भाग है वो तो आराम कर रहा है, रेस्ट ऑफ अपर सरफेस और या समथिंग में हम लोग ऑन का यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑन। अगर वैसा चीज़ का कोई काम हो रहा है या कोई चीज़ ही है, कोई सामान है, सिर्फ नीचे वाला काम कर रहा है, ऊपर का ऐसा आराम है, तो यहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। 27 नंबर, आई एम वेटिंग डैश द पोस्टमैन, अब यहाँ देखिए पोस्टमैन जब आएगा तो हम उससे हालचाल तो पूछेंगे ना, हम अपना काम निकल पाएंगे, भाई मेरे लिए कुछ लाए हैं नहीं लाए हैं, तो यहाँ पे 4 का यूज होता है, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, आगे देखते हैं। 28 नंबर, ही इज डैश सस्पिशन, यहाँ हो जाएगा अबाउट, किसी चीज़ के बारे में वो सस्पिशन में है तो अबाउट हो जाएगा। 29 नंबर, यू शुड बी असेम्ड डैश योर कंडक्ट, 29 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफ। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको हम पहले भी कहीं बताए होंगे कि जब भी भैया आपको असेम्ड दिखेगा ना, जब भी आप कोई असेंबल देखेगा आपको तुरंत ऑफ लगाना है, बाकी तो कुछ पढ़नों ने है। आगे देखिए, देयर इज एन इंजेक्शन डैश कोलेरा, अब इंजेक्शन क्या करेगा, तो कोलेरा के खिलाफ लड़ाई करेगा अंदर में, तो अगेंस्ट हो जाएगा।
31 नंबर आइए हैं। द लाइट वेयर टर्नड, अब लाइट ऑन भी हो सकता है और लाइट ऑफ भी हो सकता है, यहाँ कुछ ऐसा प्रॉपर दिया हुआ नहीं है, आप यहाँ ऑन भी लिख सकते हैं और ऑफ भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक, अब आप ही बताएं, लाइट के बारे में थोड़ी लिखा हुआ है ऑन या ऑफ, तो दोनों सही हो जाएगा, ऑन भी लिखेंगे ऑफ भी लिखेंगे, दोनों में से जो मर्जी है वो लिख दीजिए। 32 नंबर, डैश व्हाट प्राइस इज द सोल, देखिए अगर किसी चीज़ को बता रहे थे इंडिकेटिंग प्राइस रेट या स्पीड में एट का यूज करते हैं तो एट हो जाएगा 32 नंबर, पहले ही बता चुके हैं वाला। तो 33 नंबर, डिवाइड दिस इनटू 4 पार्ट्स, दो आदमी से ज़्यादा के बीच में बांटने के लिए क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं और दो आदमी रहेगा तो बिटवीन लगाते हैं, तो देख ही चुके हैं आप लोग। आइए देखते हैं, आपका हो गया 32 हो गया, 33 हो गया, 34 में आते हैं। ही एम्ड हिज गन डैश बर्ड, 34 नंबर, एम्ड पीछे ही बताए हैं, जिसका हिंदी लक्ष्य उसमें लगेगा एट, जिसका हिंदी लक्ष्य उसमें लगेगा एट। व्हाट आर यू टॉकिंग, किसी के बारे में ही बात कर रहे होंगे तो अबाउट लिख सकते हैं या फिर फोर लिख सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। 36 नंबर, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट डैश माई टीचर, 36 नंबर में आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट डैश माई टीचर, यहाँ क्या हो जाएगा फोर। जब भी हम किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं या उसके समर्थन का भाव रखते हैं तब बाबू वहाँ फोर का यूज़ करते हैं। 37 नंबर, द प्रॉब्लम इज एनी थिंग डैश ईजी, यहाँ हो जाएगा बट, एनी थिंग बट ईजी। 38 नंबर, ऑलवेज स्टिक डैश योर प्रिंसिपल्स, तो ऑलवेज स्ट्रिक्स विथ योर प्रिंसिपल्स भी लिख सकते हैं और टू प्रिंसिपल्स भी लिख सकते हैं। 39 नंबर, ये सब इसका रूल नहीं बताने, पीछे बता ही दिए हैं सब। 39, यू मे आस्क ए फेवर डैश मी, किसके फेवर में, तो मेरे, ऑफ मी हो जाएगा, यू मे आस्क फॉर फेवर मी। 40 नंबर, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, अब आपके घड़ी के अनुसार क्या बच रहा है, तो हो जाएगा बाय, 40 का आंसर क्या हो जाएगा बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखे हो, जानकारी लिए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।